रिश्ते की बेचैनी की वजह से क्या हुआ, हुमा ने खाना पकाना सीखा है और सारा किचन जला दिया इसने, ये देखें। यहाँ तक ना, यहाँ तक सारा धुआं, पूरे घर में धुआं। हुमा मैडम ने एक नया चैलेंज दिया कि आज वो कीमा पकाकर दिखाएंगी ताकि इनका रिश्ता एकदम पक्का हो जाए। ये हाल है इसका, ये अंडा पकाया इसने, ये होनी है इसकी शादी। उतना पकाएंगे जितना तू मेरा दिमाग पकाती है। जो गोल रोटी वाली होती है उनकी रिश्ता पक्का होता है, जो चौरस रोटी वाली तो खुदा ना करे साइज की रोटी है बनाती है। जिस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रोटी है ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रिश्ता ही मिलना है इसको। इसके रिश्ते की तैयारी हो रही है, अल्लाह इसका घर आबाद कर दे और खैर से इसका रिश्ता हो जाएगा। अच्छा, रिश्ता हुमा को होने वाला है और डिजर्ट्स बनाना मैं सीख रही हूँ। जो डाइट चार्ट मैं फॉलो कर रही हूँ उसके हिसाब से मैं चीट डे भी कर सकती हूँ हफ्ते में एक दफा। मैंने 2 किलो भी कम कर लिए 2 हफ्तों में। रिश्ता हुमा को होने वाला है और डिजर्ट्स बनाना मैं सीख रही हूँ। ये भी, ये सारा एडिबल ग्लिटर के साथ बनाया डिजर्ट मैंने, और ये बहुत मज़े के डिज़र्ट्स हैं। आई जस्ट लव इट। ये चेक करें, एडिबल ग्लिटर के साथ है ये। यार बेकिंग में और डिज़र्ट्स में ये चीज़ें होती हैं कि आपको एक एक कलर टेस्ट करना पड़ता है। जैसे इसका कलर मुझे सही लग रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है, इसका टेक्सचर भी बिल्कुल सही है। ये बैटर है जो पेस्ट्रीज और कपकेक के लिए तैयार हो रहा है। ये देखिए जेली कैसे हिल रही है, ये लेमन और मैंगो का मिक्स है, ये देखिए हिल रहा है। ये मैंने अभी प्रोटोटाइप्स लिए हैं, मुझे परफेक्ट लगा है और अब मैं इसका बड़े वाला साइज़ बनाने लगी हूँ। ये सर्दियों की सौगात तैयार हो रही है, कांजी। इसको धूप में रख देंगे 3 दिन के लिए और 3 दिन के बाद बिना बर्फ़ के हम इसको पियेंगे ठंडा ठार, क्योंकि ये मिट्टी के मर्तबान में खुद ठंडा हो जाएगा जी। अब ये आ गया है 3 दिन के लिए धूप में सन बात करने के लिए बिना सनब्लॉक के। ये रही, ये है मेरी कांजी तैयार और अब मैं ये पीने लगी हूँ। मैंने अपनी डाइट पर बड़ा अच्छा अमल किया था तो आज मेरा चीट डे और मैं सैंडविच खा सकती हूँ। तो ये मेरे सैंडविच का बैटर है और ये लगेगा मेरी सैंडविच पर, और ये क्लब सैंडविच है जैसे सॉल्ट एंड पेपर में मिलता है ना। डाइट करते हुए मुझे तकरीबन ये 2रा हफ्ता है और मैंने तकरीबन 6 पाउंड यानी कि 2 किलो कम कर लिया है 2 हफ्तों में, 2 किलो कम। आज मैं खाऊंगी चीट डे अपना, और मुझे सैंडविचेस बर्गर्स बहुत पसंद है। अगला चीट डे भी मैंने सोच लिया है, उसमें क्या खाऊंगी, अगले चीट डे में मैं खाऊंगी बर्गर्स। बस फिर 1 महीने के बाद मैं जो मर्जी खाऊं। सीक्रेट रेसिपी। ओह, इस बहुत औरत को ये अंडा भी बनाना नहीं आता है, मैं ठीक कर रही हूँ इसका बनाया हुआ अंडा। अल्लाह नीचे से सॉफ्ट कैसे हो गए, कभी देखा नहीं यार। ये पकड़ो तुम, करो ये कुछ करो इसका, ये पकड़ो तुम ही करो। ओए सही है, वेरी गुड। ये देखिए, ये अंडे की सब योक रह गई है और ये हुमा का अंडा है, ठीक है। अब मैं तो मेरे ख्याल से अपनी हिम्मत हार गई हूँ और ये मेरी शागिर्द आइंदा से कभी भी नहीं है। मैं जा रही हूँ, मैं पापा को भी सब बताने जा रही हूँ। दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं इस फोड़ औरत को सुखाने लग गया हूँ। अच्छा, तो हुमा कह रही है कि अब उसको लास्ट चांस दो। मैंने कहा ठीक है, लास्ट चांस दे दूँ, तुम एक और दफ़ा कर लो। बेहतर किया है, शाबाश। अब मैं पापा को तुम्हारी शिकायत में लगाऊंगी। चिपक रही है, मगर तुमने इसको ना पहले से इतना ख़राब कर दिया, मैं इसको कैसे ठीक करूं। ये देखो, चौरस हो जाती है या ये बिल्कुल एकदम गोल हो जाती है। किनारे इसके पतले किया करो। और इतनी जुगाड़ू है ये मैडम, ये पहली सी दुकान से ना ये पूरी पराठे लाई हुई, ताकि जब इसके वाली रोटी अच्छी ना बने तो ये वाली पेशकश कर दे, ये वाली पेश करे और कहे कि ये मैंने बनाया है। तो पहली से इसने ना अपना प्लान बी तैयार किया हुआ है। ये देखो ये इसने क्या बनाया है। ये मैं इसका आटा ठीक कर रही हूँ, उस वक्त से इसका पराठा ठीक कर रही हूँ। आपको लगता है कि इस तरह से इसका रिश्ता हो जाएगा? चौरस हो गया, लेकिन ये इतना मोटा क्या है? ये ऐसे तो मार्केट में देखते हो लोग ये कर रहे होते हैं, यूं 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 यूं, और देख के तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होता है। उस तरह से इसके किनारे भी पतले करो। इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती थी रोटी, और अब यही खानी पड़ेगी और पकानी पड़ेगी। वैसे जो तुमने जुगाड़ लगाई है ना, मेरे ख्याल से उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पापा ने तुम्हारी वाट लगा देनी है। मैं आज कुछ भी नहीं बोल रही हूँ,
आज मैं एकदम चुप बैठी हूँ और कुछ नहीं बोलूंगी। बस अब इसके रिश्ते की तैयारी हो रही है। अल्लाह इसका घर आबाद कर दे और खैर से इसका रिश्ता हो जाएगा। अभी हुमा मैडम ये मेरे पापा को दिखा के लाई है और उन्होंने मुझे इतनी डांट पिलाई है, इतना मुझे लेक्चर दिया। मुझे कहते बेटा आपने हुमा को ये सिखाया है, आपने बदनीयती से सिखाया, आप कैसे उस्ताद हो। ये देखिए इसका पराठा प्लेट के नीचे से निकल रहा है। पापा को लग रहा है कि मैंने हुमा को सही से सिखाया नहीं, कुछ बदनीयती की है। पापा से डांट पड़वा दी इस नलायक औरत ने, ना ड्राइविंग सीख सकी है ना खाना पकाना सीख सकी है। वैसे मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी करना जरूरी है क्या? इतना परफ्यूम लगा के किचन में कौन आता है? असूल पहली कुकिंग का ये है कि परफ्यूम लगा के किचन में नहीं आना। ओके परफ्यूम है लेडीज परफ्यूम बहुत ज्यादा। और एक और असूल भी है कि कैमरा लेके और तैयार होकर किचन में नहीं आना, पराठे तो इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये सही चौरस पराठा बनाया। जी देसी घी अंदर है। अच्छा देसी घी अंदर है। अभी इसको थोड़ा सा पकने देंगे। उतना पकाएंगे जितना तू मेरा दिमाग पकाती है, सॉर्ट ऑफ लाइक। ठीक है और फिर जब एक साइड से पक जाएगा इसको उल्टाएंगे, फिर हम इस पे घी डालेंगे। ठीक है, रियल टाइम लगाना है, आपने पहले से नहीं डाला। अच्छा अभी रेसिपी वाला चैनल बन गया। हाँ अब हम इस पे घी लगाएंगे। आज ये कामयाब होगी। अब गोल रोटी वाली सुना था जिनका रिश्ता आ जाता है, चौरस रोटी वालों में क्या होता है? मैं भी 10 साल पुरानी वीडियो दिखाऊंगी जिसमें तू कह रही है गोल रोटी रिश्ता पक्का है। जो गोल रोटी वाली होती है उनके रिश्ता पक्का होता है, जो चौरस रोटी वाली तो खुदा ना करे सारी जिंदगी रोटियां बनाती रहे। ऐसे ये स्किल आप सब अपने तक रखे कि आपको रोटी बनानी आती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आपकी सुपरमैन की तरह की सुपर पावर है। आज अच्छी रोटी बनाई तो टाइम टाइम जमान लगी। गोल चौरस बहुत छोटी रोटी मेरे हाथ जितनी है, अगर देखा जाए पता नहीं चल रहा कैमरे में है, मगर सिर्फ मेरे हाथ ये देखे देखो जल्दी पक गई साइड से। हाँ अब प्रोफेशनल बनाया है, अब रिश्ता पक्का हो सकता है। इतना धुआं पूरे घर में क्या कर रहा है? ओफ ओफ इतना धुआं पूरे किचन के अंदर, अल्लाह क्या जला दिया है। ओए ये हुमा ने, यार ये किसने जला दिए सारे चने? ये हुमा ने किया सब कुछ। वो तो कहती थी मैं एक सरप्राइज देने लगी, ये देखे हुमा का सरप्राइज, खाना बनाता था सारा जला दिया है। ओह मेरा मैसेज तमाम उन लड़कियों के लिए जो शादी कर रही हैं और शादी से पहले खाना पकाना सीख रही हैं, प्लीज़ अपने होने वाले मियाँ को ना ये वीडियो दिखा दे। तो शादी से पहले जिन लड़कियों को कुकिंग सीखने का जुनून तो नहीं लेकिन मजबूरी होती है, वो प्लीज़ इस तरह की गलतियाँ करने से ग्रेज करें। #रिश्ता रिश्ता वाली लड़की। यहाँ तक सारा धुआं पूरे घर में, धुआं बातन करती हूँ, इसमें तो ट्रैप हो जाएगी स्मेल। अब क्योंकि खाना जो है मैडम ने जला दिया है कुकिंग सीखने के चक्कर में, तो हम ये अब खा रहे हैं पिज्ज़ा। आज पिज्ज़ा ही खा के मतलब डाइट का भी बेड़ा गर्क करवा दिया इसमें। सब हुमा के जो आसरे पे बैठे हुए थे ना, उन सबको आज एक सीख मिल गई होगी कि आइंदा हुमा के आसरे पे ना कोई बैठे। अपनी प्लेट दो एक सेकेंड। अच्छा मेरा पैगाम उन लड़कों के लिए है कि जो लड़की समोसे के साथ पिज्ज़ा खाए ना, उस लड़की से बच के रहें आप। उसके साथ कभी भी दोस्ती या शादी करने का सोचना भी मत आप। जो इस तरह का रिस्क ले सकती है उसे आप शादी का रिस्क कभी ना लें। कीमे में अचार डालने की इसकी कोशिश है क्योंकि अचार ये इसने रखा हुआ है पास में। ये कुछ सीक्रेट रेसिपी है क्योंकि मैंने कभी कीमे में अचार डलते नहीं देखा, मगर इसने रखा हुआ है अचार यहाँ पर। हुमा ने बड़ा अच्छा काम किया, खाना तो बड़ा अच्छा पका लिया, लेकिन खाते ही साथ जो इसने खाना खाया ना, तो इसने सारे जल्दबाजी में खाया और ये गिरा दिया। खाना मज़े का पकाया है मगर ना इसमें नमक की कमी है। चलो फिर भी इसको मैं, कीमा अच्छा बनाया इसने, वैसे पता नहीं खाने अच्छी नहीं पकाती, जैसे रोटी बनाने नहीं आती, अंडा बनाना नहीं आता, मगर हाँ बड़ी बड़ी डिशेज़ ये अच्छी बना लेती है। आलू कोफ्ते भी बनाने आते हैं इसको। आप लोग लाइफ में हर चीज़ का डिटॉक्स करते हैं, कभी कभार आप कोई स्पेशल ड्रिंक बना के डिटॉक्स करते हैं। इस वक्त मैं हुमा का डिटॉक्स कर रही हूँ, यानी हुमा से थोड़ा परहेज़ करूँगी कुछ दिन। मैं खुद ही जो हूँ ना आजकल हुमा से दूर रहना चाह रही हूँ। वैसे भी मैं और हुमा ही अक्सर करते हैं, हम एक दोनों एक दूसरे से डिटॉक्स करते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। ये मैंने अपने लिए बनाई है ख़ास अदरक वाली चाय, जिसको मसाला चाय भी कहेंगे, और इसकी वो रेसिपी है जो बैंड बाजा बारात में अनुष्का शर्मा ने बनाई थी रणवीर सिंह के लिए। जो गाना है ना जिसमें मैं तो एवी 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 लुट गया, ये वो वाली चाय है। लेकिन खैर उसकी चाय तो दिल से उतर जाती है ना, जब वो लड़की दिल से उतरती है।
लेकिन ये दिल से उतरने वाली चाय नहीं। आज बकी है किचन में बिरयानी, उफ जबरदस्त किस्म की बिरयानी। और जब मैं डाइटिंग पे होती हूँ सब तभी इनको बिरयानी का जुनून चढ़ता है, वरना तो दाल चावल और पता नहीं क्या क्या मुझे खिला खिला के मेरा दिमाग काम करना ही बंद करवा देते हैं। हाँ, शक्ल देखती हूँ इसके अंदर से कैसी है। यार ये देखो क्या कलर है, उफ खजाना तो अंदर छुपा हुआ है खजाना। खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, नहीं यार डाइटिंग थोड़ा सा खा लेती हूँ, कुछ भी नहीं होता।